जिले के बरिया समाज सेवी पारस यादव ने एक बार फिर अपने नेक कार्य से चास्कारों की आम आवाम के सामने जनसेवा की तस्दीक पेश की है। चास पुकारों के वैसे जरूरतमंद, वैसे गरीब लोग जो अपनी आर्थिक मजबूरी की वजह से जाड़ा से बचने के लिए कंबल खरीद पाने में असमर्थ हैं, ऐसे सैकड़ों महिला पुरुषों को समाजसेवी पारस यादव ने कंबल उपलब्ध कराने का काम किया है। चास के इस्पात कॉलोनी स्थित अपने आवास में समाजसेवी पारस यादव ने अपनी धर्मपत्नी और परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ 150 से ज्यादा जरूरतमंदों महिला पुरुषों को कंबल बांटा। समाजसेवी पारस यादव की ओर से किए गए इस कंबल वितरण जैसे नेक काम को प्रोत्साहित करने अतिथि के तौर पर चास के मेयर भोलू पासवान भी इस नेक काम में सम्मिलित हुए, तो वहीं कई दूसरे गणमान्यों ने भी पुण्य के इस कार्य में पहुंचकर पूरे यादव परिवार का उत्साहवर्धन किया। आगंतुक अतिथियों की अगवानी और साल ओढ़ाकर समाजसेवी पारस यादव ने सबसे पहले अतिथियों को सम्मानित किया और फिर यह नेक काम शुरू हुआ जिसमें 150 से ज्यादा जरूरतमंदों महिला पुरुषों को कंबल दिया गया। इतना ही नहीं, कंबल देने के साथ ही साथ सभी जरूरतमंदों को मकर संक्रांति के इस विशेष उपलक्ष्य में दही चूड़ा और खिचड़ी भी खिलाने का काम किया गया। आपको बताते चले कि समाजसेवी पारस यादव मकर संक्रांति के अवसर पर प्रत्येक वर्ष इस तरह का नेक काम करते रहे हैं और इस बार भी उन्होंने और उनके पूरे परिवार ने जरूरतमंदों की उम्मीदों को कायम रखा। समाजसेवी पारस यादव और उनके परिवार के इस नेक कार्य की मेयर भोलू पासवान ने जमकर प्रशंसा की और समाज के दूसरे लोगों से इनसे सीख लेने की गुजारिश की। जरूरतमंदों की उम्मीदों को इस साल भी कायम रखते हुए उनके चेहरे पर उम्मीद की खुशियां बिखरने का काम करने वाले समाजसेवी पारस यादव ने आगे भी समाज सेवा का कार्य इसी तरह पूरी तत्परता के साथ करते रहने की प्रतिबद्धता दोहराई। पारस भैया के तरफ से इस्पात कॉलोनी के और हमारे चास के जाने माने समाज सेवी पारस यादव की ओर से कंबल वितरण का कार्यक्रम इस इस्पात कॉलोनी के सभी जितने भी लोग उनके लिए रखा गया है और हर साल मैं यहाँ आता हूँ और इनके ओर से मकर संक्रांति के शुभ अवसर पे यह अच्छा काम होता है। मेरी शुभकामनाएं हैं और मैं अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूँ इतने अच्छे काम के लिए और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान इसी तरह इनको इतनी शक्ति दे और सक्षम बनाए कि यह गरीबों का मदद कर सके। मकर संक्रांति के दिन कंबल वितरण का कार्य हो रहा है, हर साल की भांति इस साल भी कंबल वितरण हो रहा है और सबसे पहले मेयर साहब को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो आए और इस कार्यक्रम को सुबह बढ़ाए। डीएवी के डायरेक्टर मनोज सर, सुबोध दत्ता, राजेश जी, ये सभी लोग, प्रिंसिपल, सभी लोग आकर इससे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए, उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और उन लोगों को भी मैं धन्यवाद करता हूँ जो कमल लेने आए, क्योंकि उन्हीं के बदौलत आज मैं ये कार्य कर पा रहा हूँ और बड़ी खुशी होती है। हम लोग सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहते हैं और समाज में रहने के नाते के हर आदमी का कर्तव्य बनता है कि समाज के लिए कुछ करे। कितने कंबल का वितरण कर रहे हैं आज? 150 कंबल का वितरण। क्या नाम है? विशेष चास के बड़ा बाबू को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनकी सोच थी कि जो रोड के किनारे गरीब गुरबा रहते हैं, सोते हैं, उनको कंबल की आवश्यकता होती है और इस नाते उनके थ्रू और मैं अपने थ्रू उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके मार्फत उन लोगों तक कंबल पहुँच रहा है और ये इसके लिए उनकी सोच को, उनके जज्बा को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और सभी से आप सभी, हम सामाजिक होने के नाते हम सभी का कर्तव्य बनता है कि कुछ बढ़ चढ़ कर समाज के कल्याण के लिए, समाज
के काम में सहयोग करें, पार्टिसिपेट करें। इसी से हमारा समाज का कल्याण होगा, समाज विकसित करेगा, और समाज विकसित करेगा तो देश विकसित करेगा।